हरि विष्णु ने इस यज्ञ में दक्ष की अनैतिकता को रोकने के कारण उपस्थित होना आवश्यक समझा। दक्ष पुत्री दिति ने अपने पति कश्यप को अनुचित समय पर बाध्य किया कि वे उसे माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। दूसरी ओर आज माता सती माता बनने का सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के लिए विचार मग्न है। सती, शक्ति तुम इस समय तुमसे मिलने का उचित समय यही है शिव संगिनी शक्ति स्वरूपा सती, कारण के तुम्हारे पति तो गणों के साथ विश्व भ्रमण पर गए हैं। क्यों प्रकट हुई हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर तुमसे अज्ञात नहीं सती, शक्ति स्वरूपा सती को निराशा शोभा नहीं देती। इस निराशा का कारण तुम भली भांति जानती हो। श्री महागणेश की इच्छा अनुसार तुम अगले मानवीय जन्म में ही उनकी माता बनने का गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त कर सकोगी। तो अब इस जीवन का शेष उद्देश्य क्या रह गया है? शिव संगिनी सती, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं? जानकर भी जानने की इच्छुक नहीं हूँ। जानना तो होगा ही सती, क्योंकि तुम्हारा ये प्रश्न शीघ्र ही उत्तर के रूप में तुम्हारे सन्मुख प्रकट होने वाला है। इन सभी आमंत्रित अतिथियों को महायज्ञ का निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आ गया पृथ्वी सम्राट। और स्मरण रहे, इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आमंत्रण भेजने का दुस्साहस न किया जाए। आप निश्चिंत रहिए पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हाँ, महायज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, जिससे एक भी अवांछित व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। ऐसा ही होगा पृथ्वी सम्राट। अब आप जाएं और महायज्ञ स्थल की समस्त व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करें। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की जय, पृथ्वी महारानी वीरनी की जय। स्वामी, आप महायज्ञ में शिव सती को आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिव और सती इस महायज्ञ में आमंत्रण के योग्य ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, वे आपके जामाता और पुत्री हैं। भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले उस श्मशान वासी का ब्राह्मणों की महासभा में क्या काम? और सती ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। स्वामी, जो बिंद गया वो मोती, बीती बातों को भूल जाए स्वामी। भुला दें? ऐसे भुला दें महारानी? हम भुला दें? अपने अपमान को भुला दें? अथवा शिव का अपमान करने वाली उस घोर प्रतिज्ञा को भुला दें? क्या आप क्या कहने की इच्छुक है महारानी? लंबी प्रतीक्षा करने के पश्चात दक्ष प्रजापति को मायावी शिव का अपमान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी, शिव सती के विरुद्ध ये निर्णय उचित नहीं है। महारानी, हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। सावधान, दक्ष प्रजापति के क्रोध का परिणाम आपके हित में न होगा। स्वामी, नारायण। प्रणाम भैया दक्ष, प्रणाम। कहीं तुम्हें उस मायावी शिव ने तो नहीं भेजा है नारद? गंग 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 गंग। भैया दक्ष, आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान शिव किसी को भेजते नहीं? अभी तो इस संसार में जो भी कुछ घटता है वो शिव इच्छा से ही घटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात हमारे महायज्ञ में हमने उसे आमंत्रित नहीं किया है और उसके घोर अपमान की योजना बनाई है, वो भी उसी की इच्छा है।
ये शिव इच्छा नहीं, शिव लीला है, जिसका अर्थ आप कदापि नहीं समझ सकते। तुम जैसे चाटुकारों ने शिव को देवता बना दिया है नारद। मुझे तो श्मशान में वास करने वाला और भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाला किसी योग्य दिखता ही नहीं। यदि नेत्रों पर क्रोध एवं अहंकार का आवरण पड़ा हो तो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता दिखाई ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। नारद, फिर क्रोध को जागृत करने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। नारायण नारायण। परिणाम के भय से ये नारद अपना जन कल्याण का कार्य नहीं छोड़ सकता भैया दक्ष। नारद, मैं तुम्हारी जन कल्याण की भावना से भलीभांति परिचित हूँ। यदि दक्ष महल में तुम्हारा जन कल्याण पूर्ण हो गया हो तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। नारायण नारायण। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इस भयानक वातावरण में नारद की एक क्षण भी रुकने की इच्छा नहीं है भैया दक्ष। किंतु आप मेरे भ्राता हैं, इसीलिए आपको दो बातों का स्मरण कराना, दो महत्वपूर्ण बातों का मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बड़ा मझोला है नारद, जो अपने अपमान की चिंता किए बिना हमसे दक्ष महल में प्रार्थना करने आ गए। नारायण नारायण। यही तो नारद की जन कल्याण की भावना है, जो अपने अपमान के लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित रहती है। नारद, मुझे तुम्हारी दीनता पर अट्टहास करने का मन होता है। कहो, क्या प्रार्थना करने आए थे तुम? प्रार्थना नहीं भैया दक्ष, आपको स्मरण कराने आया हूँ। स्मरण? नियंता की कृपा से आपको अपने इस महायज्ञ से अपने भयंकर पापों को पुण्यों में बदलने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। नारद, कह लेने दे भैया दक्ष, कह लेने दे। यदि नहीं कहा तो ये संसार नारद की जन कल्याण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना भैया दक्ष। एक तो महायज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा करना। दूसरी, यज्ञेश्वर शिव तथा सती माता को स्वयं जाकर आमंत्रित करना। नारद, शिक्षा से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा हमारा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। नारायण नारायण। भैया दक्ष, यदि आपका श्राप मेरे योग्य होगा ही नहीं तो श्री महागणेश की कृपा से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दुष्ट नारद। भैया दक्ष, क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नारायण नारायण। संसार में वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जो महाशक्तियों के प्रति द्वेष भावना से आयोजित किया जा रहा हो। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। स्वामी, मेरी बात सुनिए। स्वामी, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम तुम्हारी प्रसन्नता जानने को उत्सुक हैं सुमुखी। स्वामी, मेरे गर्भस्थ पुत्र ने जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहा दीदी? उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा माता। माता पिता की इच्छा पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है दीदी। पिता नहीं, मात्र माता। मेरा पुत्र मात्र मेरा है। मेरी हट के ही कारण आप उसे जीवन देने को विवश हो गए। प्रिय, इस अवस्था में गर्भस्थ पुत्र पर माता की सोच का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे परामर्श प्राप्त करने नहीं, अपनी प्रसन्नता बांटने आई थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति को किसी भी ज्ञान या परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे अपनी प्रसन्नता बांटना ही अनुचित था। नारायण नारायण नारायण।
परम देव श्री महागणेश की जय। जय देवर्षि नारायण। प्रणाम। कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है देवर्षि। पधारे। सावधान ऋषिवर, सावधान। सदा प्रसन्न तथा आनंदित रहने वाले देवर्षि नारद, आज आप किस मुद्रा में हैं? ऋषिवर, आज मैं आपको पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से सावधान करने ही आया हूँ। पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ऋषिवर, क्या आपने दक्ष प्रजापति के महायज्ञ का समाचार नहीं सुना? हमने सुना तो अवश्य है देवर्षि कि दक्ष प्रजापति परम पिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण, अब आप इससे आगे की कथा मुझसे सुनिए। आगे की कथा? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ना 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 ना, भैया दक्ष के स्वभाव को जानने वाला उनकी कथाओं को लेकर चकित नहीं होता ऋषिवर। नारायण नारायण, पहेलियों की भाषा का प्रयोग करके बात का बतंगड़ना बनाए देवर्षि। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहें। स्पष्ट स्पष्ट कहूं देवी? कह दूं ऋषिवर? तो स्पष्ट सुने देवी कि बात का बतंगड़ तो अब बनने वाला है। आपके पिता दक्ष प्रजापति ने परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा ना करने का एवं यज्ञेश्वर शिव तथा सती को ना आमंत्रित करने का निर्णय ले लिया। नारायण नारायण। गंग गंग गंग, ये अहंकार दक्ष प्रजापति का पीछा कब छोड़ेगा देवर्षि? अहंकारी कहकर आप मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं स्वामी। नारायण नारायण। देवी दीति, जो स्वयं परम देव श्री महागणेश का एवं यज्ञेश्वर शिव जैसी महाशक्ति का अपमान करने का इच्छुक हो, हम उसका अपमान क्या करेंगे? उसका तो संसार अपमान करेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे पिता का अपमान करने वाला अभी जन्मा ही नहीं है। देवर्षि नारद अदृश्य हो चुके हैं दीदी। को देखकर इतना उत्तेजित होना आपको शोभा नहीं देता देवर्षि नारद। नारायण नारायण। हे परम देव श्री महागणेश, मैं दक्ष के व्यवहार को देखकर उत्तेजित ही नहीं व्यथित भी। देवर्षि, ये तो अहंकार का स्वभाव है। जो अपने सम्मुख किसी की गरिमा को स्वीकार नहीं करता। अर्थात प्रभु? अर्थात दूसरे की गरिमा तथा प्रभुता को स्वीकारने वाला कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। हे सर्वेश्वर, भैया दक्ष मात्र अहंकार का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे तो महाशक्तियों का अपमान भी कर रहे हैं। ये अहंकार की चरम सीमा है देवर्षि, जो दक्ष के सर्वनाश का कारण बनेगी। अर्थात भैया दक्ष का सर्वनाश निकट है प्रभु। देवर्षि, हमारे उत्तर में अपने प्रश्न को ढूंढने का प्रयास न करें। गंग 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 गंग, प्रभु आप तो हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का स्वयं उत्तर है। आपके उत्तरों में प्रश्न खोजना असंभव है प्रभु, किंतु मैं चतुर नारद, दक्ष का महायज्ञ होगा, अवश्य होगा, और इसका परिणाम इस बात का प्रमाण होगा कि हमारी अग्र पूजा ना करने का क्या परिणाम होता है। अर्थात प्रथम पूज्य श्री महागणेश, इस यज्ञ में ऐसा कुछ घटने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी अग्र पूजा ना करके तथा यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने के कारण दक्ष को महागणेश के क्रोध तथा शिव शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। किंतु प्रभु, भैया दक्ष ने तो शिव शक्ति विवाह में भी आपकी अग्र पूजा नहीं की थी। उसका दंड भी आज दक्ष को भोगना ही पड़ेगा। तो क्या आज शिव शक्ति विवाह में? जिज्ञासा में ही सब कुछ जान लेने के स्थान पर आप स्वयं जाकर घटनाओं के साक्षी बनिए नारद। महायज्ञ का आयोजन किया किंतु शिव सती को अयोग्य मानते हुए आमंत्रित नहीं किया। कश्यप ऋषि ने
दक्ष के निर्णय को भोलेनाथ और श्री महागणेश का अपमान बताया। शिवाज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी अधिपति प्रजापति दक्ष, मैं आपका कुल पुरोहित भृगु आपसे इस महान महायज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। यदि मुहूर्त का समय अनुकूल हो तो महायज्ञ आरंभ किया जाए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये। हमारे यज्ञ के बिना हाँ गणेश का आह्वान क्यों कर रहे हैं? श्री महागणेश की अग्र पूजा विधि का निश्चित विधान है। उनकी कृपा से ही प्रत्येक मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर, इस पृथ्वी लोक पर भई विधि का विधान निश्चित होता है। जो पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की इच्छा हो, आपकी इच्छा आपसे वेतन पाने वाले स्वीकार कर सकते हैं प्रजापति दक्ष, किंतु ऋषि समाज इसका विरोध करेगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति और कुल पुरोहित के मध्य हो रही वार्ता में आप हस्तक्षेप न करें महर्षि दधीचि जी, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। नहीं, परम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा किसी का भी व्यक्तिगत विषय नहीं है। श्री महागणेश की अग्र पूजा परंपरा ही नहीं सृष्टि का अटल नियम है। किंतु जब हम श्री गणेश को अपना इष्ट ही नहीं मानते तो उनकी अग्र पूजा क्यों करें? क्योंकि श्री महागणेश की अग्र पूजा किए बिना आपका महायज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। श्री महागणेश को प्रसन्न किए बिना आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इस बात का निर्णय महायज्ञ के समापन पर हो जाएगा। हम महागणेश की पूजा किए बिना ही इस महायज्ञ को सफल करके दिखाएंगे। सावधान सावधान प्रजापति दक्ष, सावधान। श्री महागणेश के क्रोध को जगाने का परिणाम आपके हित में ना होगा। महर्षि दधीचि, अगर प्रजापति दक्ष श्री महागणेश को अपना इष्ट नहीं मानते तो हम किसी अन्य महाशक्ति की अग्र पूजा करके महायज्ञ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी महर्षि दधीचि, क्योंकि इस महायज्ञ का प्रयोजन प्रजापति दक्ष पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। महायज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान का व्यय उठाने के कारण धर्म का परम पावन कार्य किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकता। धर्म की गरिमा को धूमिल करने का दुस्साहस ना करें आप लोग। महर्षि दधीचि, हम तो परमदेव श्री महागणेश के स्थान पर यज्ञेश्वर शिव की अग्र पूजा करते हैं, ये तो अनुचित नहीं है। यह आप सबकी बुद्धि को क्या हो गया ऋषियों? उस शमशान में वास करने वाले और भूत पिशाचों से सेवा कराने वाले शिव का इस महायज्ञ में क्या काम? उस शिव के कर्मों को देखकर तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। दक्ष, तेरा अभिमान यज्ञेश्वर शिव को वर्ण और यज्ञों से बहिष्कृत करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उस शमशान में वास करने वाले शिव को चारों वर्णों और यज्ञों से बहिष्कृत करने की घोषणा करता हूँ। तो तू कौन सा बहुत बड़ा तेजस्वी है जो तेरी घोषणा का यज्ञेश्वर शिव पर प्रभाव पड़ेगा? इस महायज्ञ में उपस्थित सभी ऋषिगण सुने, श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने वाले दुष्ट का मुख देखना भी पाप है। मैं इस महायज्ञ के बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। We'll be right back.
आपके बहिष्कार के पश्चात भी मेरे यजमान प्रजापति दक्ष का ये महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। दक्षिणा के लोभ में परंपराओं और विधि के अटल विधान का विरोध करने वाले भृगु, आज तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक सिद्ध हुए। तुम और तुम्हारा अनुसरण करने वाले ब्राह्मण सदा सदा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते रहोगे, तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। यदि पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल न होता तो अब तक के हद बुद्धि नदी जी यमलोक पहुंच गया होता। श्री भृगु, आप सृष्टि पालक श्रीहरि विष्णु अथवा परम पिता ब्रह्मा का मंत्रों द्वारा आह्वान करें। यही उचित होगा सम्राट। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः। सृष्टि रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी की जय। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय। यज्ञ स्थल में उपस्थित ब्राह्मणों, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और सृष्टि पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस हद बुद्धि दधी जी का शाप व्यर्थ हुआ। पुत्र दक्ष, हम भृगु ऋषि के आह्वान को सुनकर ही उपस्थित नहीं हुए हैं, अपितु तुम्हें ये परामर्श देने आए हैं कि यज्ञेश्वर शिव को आमंत्रित किए बिना तुम्हारे इस महायज्ञ का आयोजन व्यर्थ है। शिव कल्याण के प्रतीक हैं, क्षमाशील हैं, अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उनका आह्वान करो। असंभव। हम उस शिव को आमंत्रित करें यह संभव है? हम तो उस नंग धड़ंग शिव का मुख देखना भी पाप समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव कोप को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा दक्ष। दंड तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, परंतु उस दंड से तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा। तुम्हें महादेव की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण हम अब उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी, जागे स्वामी। स्वामी, मेरी व्यथा का शमन करें। अपने पिता दक्ष के व्यवहार के कारण आपकी ये चरण दासी उद्विग्न है। जागे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें स्वामी।
शक्ति स्वरूपा देवी सती, व्यथा, उद्विग्नता और अश्रु आपको शोभा नहीं देते। मुझे अपने पिता के महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें स्वामी। बिना आमंत्रण आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। पुत्री का पिता के समीप जाना अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल प्रजापति दक्ष की पुत्री नहीं, शिव संगनी भी है। आपके सम्मान से मेरी गरिमा और मेरे सम्मान से आपकी गरिमा जुड़ी है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति पत्नी दो नहीं एक हो जाते हैं। पिता के समीप जाने का उद्देश्य सम्मान प्राप्त करना नहीं है, अपितु जगदीश व शिव को महायज्ञ में आमंत्रित ना कर उनका अपमान करने का कारण जानना है। आप अपने उद्देश्य निर्धारित करके जा रही हैं, किंतु प्रजापति दक्ष के अहंकारी स्वभाव के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। मेरा वहाँ जाना परम आवश्यक है स्वामी। वहाँ जाना आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है देवी सती। मेरा अनिष्ट आपके सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता स्वामी। मेरे दुष्ट पिता की दुष्टता का आज मैं मूल कारण पता लगा कर ही रहूंगी। मैं उन ऋषियों को देखने की इच्छुक हूँ जिन्होंने श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव के अपमान के पश्चात भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होने का दुस्साहस किया। देवी सती, यदि आपने इस प्रकार वहाँ जाने का निर्णय कर लिया है तो आप एक महारानी की भांति मेरे परम अनुचर और वाहन नंदी पर सवार होकर शिव गणों के साथ दक्ष महल स्थित यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 माता सती की जय। हर हर महादेव। 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 माता सती की जय। इस महायज्ञ को रोके पिताश्री और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आओ सती, तुमने यहाँ उपस्थित होकर हमारे लाज रखी, पधारो पुत्री। मैं यहाँ पधारने नहीं आई हूँ माताश्री, अपने महान पति के अपमान का कारण पूछने आई हूँ। पुत्री सती,
उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के अपमान का कारण पूछने से अब तनिक भी लाभ नहीं है। अपने अभिमान पर नियंत्रण रख पिताश्री, मुझे ये बताएं कि परम मंगलकारी यज्ञेश्वर शिव को आपने इस महायज्ञ में सम्मिलित क्यों नहीं किया? वे तो स्वयं यज्ञ, यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता यजमान है। उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे संभव है? देवी सती, आप अपने पिता और कैलाशपति शिव का वैर भली भांति जानती हैं। इस परम मंगल महायज्ञ में सदाशिव की उपस्थिति किसी अमंगल का कारण न बने, इसी कारण हमने उनका आह्वान नहीं किया। महर्षि भृगु, आपका दुस्साहस दुष्टता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। मेरा क्रोध आपको इसी क्षण भस्म कर सकता है, किंतु मात्र भस्म हो जाने से आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। महर्षि दधीची के श्राप के कारण आपका जीवन यूं ही भस्म हो चुका है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम आदरणीय हैं। आप दोनों इस पाप अभिमान और अपराध के महायज्ञ में भागी कैसे बन गए? क्या इन दक्ष के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संधि खंडित हो गई है? बिना आमंत्रण तुमने मेरे महायज्ञ में आकर उचित नहीं किया सती। तुम्हारे ऊपर उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के साथ रहने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी उसी शिव की भांति अमंगलकारी होती जा रही हो। प्रजापति दक्ष, भगवान शिव की निंदा करने के कारण भविष्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। इस जीवन में भयंकर दुख भोगकर अंत में तुम्हें भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र इतना ही है ना, कि मैं तुमसे भयभीत होकर अथवा पुत्री के मोह में पड़कर भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले नर मुंडों की माला पहनने वाले गुरूप वेशधारी उस श्मशानवासी शिव को आमंत्रित करूं? असंभव। उचित यही होगा कि तुम जिस प्रकार यहां आई हो उसी प्रकार लौट जाओ। बिना आमंत्रण के आपका यहां उपस्थित रहना उचित नहीं है, आप चली जाएं देवी सती। महादुष्ट ब्राह्मण, तू हमारे स्वामी के अपमान का सूत्रधार बन रहा है, क्या हम तुझे शाप देते हैं कि तू जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक और दक्षिणा के लोभी बनकर वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। क्रोध लोभ और मत से युक्त होकर निर्लज भिक्षुक बन जाए। ये तो साहस, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम सब रुद्रगण वेद बहिष्कृत होकर पाखंडवाद में उलझे रहो, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, धन धड़ंग, हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरापान में आसक्त रहो। महामूर्ख दक्ष, क्या तू रुद्रगणों की भक्ति और शक्ति को नहीं जानता? भक्ति की शक्ति के कारण इन पर संसार के किसी ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू मेरा पिता है, मैंने ये शरीर तेरे अंश से प्राप्त किया है, किंतु शिव के अपमान के कारण ये शरीर भ्रष्ट हो गया है, इसका त्याग कर देना ही उचित होगा। तुम
सती दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय करती हैं। स्वयं के अपमान और अपने महान स्वामी महादेव के प्रति दक्ष के अपशब्द सुनकर उत्तेजित देवी सती अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर देह त्याग कर देती है। हाहाकार करते शिवगण कैलाश पर ये समाचार देने पहुंचते हैं। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, भोलेनाथ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, आगे खोलो भोलेनाथ, आगे खोलो, दक्ष यज्ञ में माता सत्य। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है नंदी, हम सब कुछ जानते हैं। प्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय। तेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु, कहिए तो एक पल में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में ऋषि मुनि देवताओं तथा संसार को भस्म कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा पाने के लिए मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मेरे लिए कौन सा संभव कार्य है, आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। महाकाय वीरभद्र, तुम इसी क्षण जाकर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस करो। आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये कौन? सैनिकों बंदी बना लो इसे।
स्वामी नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ हैं, क्षमाशील हैं। मुझे निराश न करें शिव शंकर। मेरे पति के अहंकार और अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं महेश्वर? ये आप क्या कह रही हैं देवी वीरनी? सत्य कह रही हूँ भोलेनाथ, सत्य। वैधव्य का कष्ट आपसे अज्ञात नहीं। एक स्त्री के लिए इससे अधिक दंड नहीं हो सकता। हम विवश हैं, क्योंकि तुम्हारे पति दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है। उस घोर अपराध का दंड मैं क्यों भोगूं प्रभु? आप महान शिव भक्त, शिव पार्षद, वीरभद्र से कहें कि वो मुझे भी मृत्यु दंड दे। यह संभव है देवी वीरनी। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? स्वामी के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी निम्न है। मुझे स्वयं मृत्यु स्वीकार करने की इच्छा है। आप वीरभद्र को आदेश दें। समय से पूर्व हम किसी के अंत का आदेश नहीं दे सकते। तो आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। ये आपकी भक्ति ने वीरनी की प्रार्थना और सती के माँ का आदेश भी है। आप हमारी पूज्य हैं देवी वीरनी। आपके तर्क न्याय सम्मत है। हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अवश्य वहाँ यज्ञ स्थल पर गए होंगे। वे मेरे पति का निश्चित ही उद्धार करेंगे। प्रजापति दक्ष, आपका यह अजामुख स्वरूप आपके अहंकार का परिणाम है। हे महादेव, मुझ जैसे दुष्ट अभिमानी पर कृपा कर। आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। यदि मैं समय रहते महर्षि दधीची अथवा शक्ति स्वरूपा पुत्री सती का परामर्श मान लेता तो ऐसा अनर्थ कदापि ना होता। मेरा अभिमान अपनी पुत्री की महानता को भी नहीं पहचान पाया। हे महादेव, आप कृपा कर उसे भी जीवित करें। अजामुख दक्ष,
इस संसार में सब कुछ इतना सरल और इतना सहज नहीं है। इस यज्ञ भूमि पर जो कुछ भी घटा है उसे इसी ही प्रकार घटना था। आप इसे नियति भी मान सकते हैं। स्वामी, स्वामी। स्वामी, महादेव वास्तव में भोलेनाथ है, भक्तवत्सल है। सर्वप्रथम कैलाश पर प्रकट हुई। श्री महागणेश, आज आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी मनोकामना को आपकी लीला के निमित्त क्यों बनना पड़ा? मुझ सती की दिव्य आत्मा आपको पुत्र रूप में देखने के लिए व्यग्र हो रही है। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मेरे चित्त को शांति प्रदान करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, आप तो कृपा सिंधु हैं। मेरी पुकार सुने। मुझे दर्शन दें। मुझ पर कृपा करें महागणेश। मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। 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 मुझे दर्शन दें। दर्शन दें। श्री महागणेश, दर्शन दें। प्रकट हो श्री महागणेश। मेरे अशांत चित्त को शांत करें। श्री महागणेश, मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। दर्शन दें। श्री महागणेश, दर्शन दें। हे शक्ति स्वरूपिणी माता सती, आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मैंने आपको वचन दिया है कि आपके अगले अवतार में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण कर आपके संस्कारों द्वारा अपनी सार्थकता सिद्ध करूंगा। पुत्र श्री महागणेश, आज तुमने अपनी माँ को ही अपनी लीला का निमित्त बना दिया है। माता, ये लीला मेरी रचना है अथवा आपके द्वारा निर्देशित? ये तो ऋषि मुनियों तथा विद्वानों के लिए भी शोध का विषय है। ये समस्त चराचर जगत तुम्हारे संकेत पर प्रकट होकर तुम्हारे संकेत मात्र पर तुम्हीं में समा जाता है, इसीलिए लीला तुम्हारी ही है। इस संसार को प्रकट करने वाले तथा सर्वनाश करने वाले मुझ परम देव प्रथम पूज्य महागणेश को जन्म देने का सामर्थ्य रखने वाली माता जगदम्बा, ये लीला भले ही मेरी हो किंतु इसका निर्देश तो आप ही ने दिया था। तुम्हारी बुद्धि प्रखरता के सम्मुख मैं निरुत्तर हुई श्री महागणेश। तो आप मुझे अपने शक्ति स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करें माता। आपके सम्मुख प्रकट होते ही आपके शक्ति स्वरूप के दर्शनों की कामना मेरे मन में जाग उठती है। दर्शन दे माता शक्ति, दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे।
माता को शक्ति स्वरूप की तेजस्वी दिव्यता में परिवर्तित कर मुझे दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे। दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे। प्रकट हो मां शक्ति, प्रकट हो। दर्शन दे जगदम्बा, दर्शन दे। प्रकट हो माता शक्ति, प्रकट हो। आव्यामी, 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 आव्यामी। हे परम पूजनीय श्री महागणेश, तुमने मुझे मेरे मूल रूप का ज्ञान कराकर मेरी व्यग्रता का शमन किया है, मेरे अशांत चित्त को शांति प्रदान की है। श्री महागणेश, तुम महान हो, तुम महान हो। श्री गणेश, तुम महान हो। ओ शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, मातृस्वरूपा माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। परम देव श्री महागणेश, आपकी दिव्य छवि से प्रेरणा एवं ज्ञान प्राप्त कर मुझे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया, किंतु किंतु क्या माता? परम देव, मेरे मन में इस समय प्रश्नों का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। माता, किसी भी मन के रहस्य से आप भी अपरिचित नहीं हैं। यदि माता के मन में मुझे पुत्र के रूप में पाने का प्रश्न उठा है, तो पुत्र का मन भी माता के गोद में खेलने को मचल रहा है। तो हे सर्वशक्तिमान, अपनी इच्छा को पूर्ण कर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे जगत जननी, क्या आपकी लीला इस समय मुझे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा देती है? परम देव श्री महागणेश, आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा तो सारा संसार करता है। निश्चिंत रहे माता, ना तो महागणेश का वचन मिथ्या होगा और ना ही माता शक्ति की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी। मैं विधि के विधान अनुसार उचित अवसर पर आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण कर अवश्य परम सौभाग्य प्राप्त करूंगा। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की जय। मातृ स्वरूपा माता जगदम्बा की जय। स्वरूपिणी शिवा के आश्रय महादेव शिव, अपने ध्यान को विराम दें, आंखें खोलें। स्वामी स्वामी, सती अवतार में हमने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अन्याय से निराश होकर दक्ष यज्ञ के समय आत्म बलिदान किया, किंतु मेरी आत्मा अपनी अपूर्ण कामना पूर्ति के लिए भटकती रही। परम देव श्री महागणेश से परम ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही मुझे अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान हुआ और हमने पुनः यह दिव्य रूप धारण किया। दक्ष यज्ञ में जो कुछ भी हुआ वो कष्टपूर्ण था। यदि तुम्हारे आत्म बलिदान के पश्चात भी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को दंडित न किया जाता तो यज्ञ और अनुष्ठान जैसे पवित्र कार्य धर्म संस्थापन के स्थान पर अहंकार एवं व्यक्तिगत संतुष्टि के माध्यम बन जाते। अर्थात? शक्ति, तुम्हारे सती अवतार के पिता दक्ष प्रजापति ने उस भव्य यज्ञ का आयोजन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रोत्साहन देने तथा पृथ्वी लोक पर गौरव सुनिश्चित करने के लिए ही किया था। सत्य है स्वामी। परमदेव श्री महागणेश के इस लीला संसार में किसी भी व्यक्ति का धर्म के मूल्य पर व्यक्तिगत स्वार्थ तथा व्यक्तिगत गौरव को प्राप्त करने का दिव्य स्वप्न कदापि पूर्ण नहीं होगा। धर्म और अनुष्ठान का उद्देश्य
जन कल्याण, लोक हित तथा जीव मात्र का उद्धार ही हो सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं। अर्थात सती स्वरूप में दक्ष यज्ञ के समय मेरा आत्म बलिदान उचित था स्वामी? हाँ देवी शक्ति, दक्ष यज्ञ का ध्वंस करके आपने व्यक्तिगत स्वार्थ संतुष्टि की जन्म ले सकने वाली अनुचित परंपरा का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। इसके पश्चात कोई भी पृथ्वीवासी धर्म के मूल्य पर अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करने के लिए दुस्साहस नहीं करेगा। आपके कल्याणकारी वचनों को सुनकर मेरा चित्त शांत हो गया। अब शिव की शिवा पुनः शिव से ही एकाकार होने की इच्छुक है। तुम्हारे बिना हम अपने आप को अपूर्ण तथा रिक्त अनुभव कर रहे थे। आओ हमारे अस्तित्व में समाकर अपना स्थान ग्रहण करो। प्रणाम माता श्री। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दीति के पुत्र हो। मैं आप ही का पुत्र हूँ माता, आप ही का प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र। किंतु तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे कि हमने कल्पना की थी? अर्थात मैं कुछ समझा नहीं माता। पातालवासी दैत्य नरांतक और देवांतक को देखकर ही हमने तुम्हारी कल्पना की थी, किंतु उनकी जैसा आतंक, अट्टहास, भयानकता और क्रोध कुछ भी तो नहीं है तुम में। श्री गणेशाय नमः। पुत्र जन्म की तुम्हें हार्दिक बधाई देवी दीति। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। हाँ हाँ दीदी, मेरी ओर से भी आपको अनेकानेक बधाइयाँ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी दीति, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हमने अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना की थी, इसी कारण तुम दानव और मानव की महान संस्कृति के प्रतीक हो। अर्थात? अर्थात इसका मन मानव के समान सौम्य और सदाचारी है, किंतु शरीर दैत्यों के समान कठोर है। पुत्र, देवी अदिति भी तुम्हारे लिए माता के समान है, इन्हें प्रणाम करो। हा? प्रणाम माता श्री। कीर्तिमान भव पुत्र, तुम्हारा शरीर मेरे पुत्र इंद्र के वज्र के समान ही कठोर है, इसी कारण मैं तुम्हें वज्रांग ही कहूंगी। तुम्हें युद्ध में अपने अभेद्य शरीर के कारण कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। अदिति, मेरे पुत्र के कठोर शरीर की तुलना अपने पुत्र इंद्र के वज्र के साथ करके तुमने मेरा अपमान किया है। आशीर्वाद देते समय भी तुम्हारी दुष्टता स्पष्ट है। दीदी, मैंने तो वज्रांग को युद्ध में अपराजित रहने का आशीर्वाद भी दिया है। दीदी, पुत्र को किसी के भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तुम इस कारण प्रसन्न हो रही हो ना कि मेरा पुत्र देवांतक और नरांतक की भांति आतंकी और भयानक नहीं है? नहीं दीदी नहीं, तुम अन्यथा सोच रही हो। तो अन्यथा ही सुन लो। मेरी महत्वाकांक्षा इसे देवांतक और नरांतक से भी
अधिक भयानक बना देगी। हाँ देवी दीदी, तुम्हारी दुर्भावना हर बात को कितना अनुचित रूप दे देती है। इसके उत्तरदायी आप हैं, आप ऋषिवर। आपने अपने पाखंड का परिचय देने के लिए मेरे साथ कितना क्रूर परिहास किया है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम्हारा पुत्र तो हमारे आराध्य श्री महागणेश की कृपा का प्रमाण है। आयु के कारण आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दीति पुत्र को किसी के भी कृपा की आवश्यकता नहीं है। आप और समस्त देवता दैत्य विरोधी हैं, दैत्यों के साथ पक्षपात करते हैं। तुम क्रोध के कारण अन्यथा सोच रही हो दीदी। क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। शांत हो दीदी, शांत हो देवी। ऋषिवर, मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर दे। इससे पूर्व इस कक्ष का त्याग कर दे। जाओ। यदि तू मेरा पुत्र है तो इसी समय मेरे पिता माँ ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दे। किंतु क्यों माता? क्यों पूछकर तू मेरा अपमान ना कर पुत्र। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तू उनसे अमरता और दैत्य शक्ति संपन्न होने का वरदान मांग। उसके पश्चात अदिति पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण करके तू उस भीरु इंद्र को स्वर्ग से पतित कर दे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अभी मेरी आज्ञा पूर्ण नहीं हुई है। क्षमा करें माता। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वर्गाधिपति बनना होगा, स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार करना होगा। जाओ। जो आज्ञा माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 साधन, मेरा पुत्र मेरी विध्वंसक महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण करेगा। दीदी, ये तुम अनुचित कर रही हो। आपने भी मेरे पुत्र के साथ पक्षपात कर उचित नहीं किया। ये तुम्हारा भ्रम है दीदी। मुझे भ्रमित रहने में ही आनंद हो रहा है, क्योंकि भ्रम के कारण ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। भीरु अदिति पुत्र इंद्र को पराजित कर मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति बनेगा। मेरे पिता माँ ब्रह्मा जी से वो वरदान अवश्य पाएगा, अवश्य। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो देवर्षि।
आप इस तपस्यारत व्यक्ति को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? मैं इस तपस्यारत व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ देवराज। फिर किसे देख रहे हैं? यहाँ तो अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवराज, मैं तो दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या के पीछे छिपी इसकी माँ की महत्वाकांक्षा को देख रहा हूँ। नारायण नारायण। माँ की महत्वाकांक्षा? हाँ देवराज, दिति पुत्र वज्रांग ने अपनी माँ की महत्वाकांक्षा एवं मनोकामना पूर्ति के लिए ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, आप समझे नहीं अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। परिहास न करें देवर्षि, स्पष्ट बताएं वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, स्पष्ट बहुत तीखा है, संभवतः आप उसे सुन ना सके। भूमिका न बनाए देवर्षि, शीघ्र बताएं वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, आपका अहंकार आपके विवेक को नष्ट कर रहा है। आप उत्तेजना में ऋषि मुनियों का अपमान करने से भी भयभीत नहीं होते हैं। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र संसार की कोई बात से भयभीत हो ही नहीं सकते हैं। क्षमा करें देवराज, पातालवासी दैत्य देवांतक ने तो आपको भयभीत कर ही दिया था। नारायण नारायण। किंतु आज मैं पुनः स्वर्गाधिपति हूँ देवांतक। कहाँ गया? सावधान देवराजेंद्र, सावधान। दिति पुत्र वज्रांग ने स्वर्ग पर अधिकार करने की मनोकामना से ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझे आपके कथन पर विश्वास नहीं। भला आपको वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य कैसे ज्ञात हो गया? गंग 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 गंग। देवराज, क्या आपकी मति मारी गई है जो आप मेरे ज्ञान पर शंका कर रहे हैं? मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा देवराज कि आप इस समय केवल स्वर्ग सिंहासन की चिंता करें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इस रोग का उपचार जानने के लिए मुझे ब्रह्मलोक जाना ही होगा। आकाश में प्रकट हुए देव श्री महागणेश। कैलाशपति शिव के शक्ति के समान मैं सृष्टि के रचनाकार श्री ब्रह्मदेव की अभिन्न जीवन संगीनी हूँ। मेरे अभाव में ब्रह्मदेव की सृष्टि रचना अपूर्ण है। हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले परमदेव, मुझे मेरा उचित स्थान प्रदान करें। हे महादेवी सरस्वती, आप सारे संसार के लिए माता के समान पूज्य हैं। यहाँ प्रकट होने से पूर्व भी आप अपने समस्त अस्तित्व के साथ ब्रह्मदेव में समाई हुई थीं, किंतु अब संसार आपके प्रत्यक्ष दर्शनों का इच्छुक है। इस कारण आप ब्रह्मा जी के स्वरूप से प्रकट होकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परमदेव। परम देव श्री महागणेश, मैं सागर कन्या महालक्ष्मी हूँ। आपकी इच्छा मात्र पर सारे संसार को लाभ और वैभव की श्री प्रदान करना मेरा कर्तव्य है।
मैं जगत पालक जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की चिर संगनी हूँ। आपकी आज्ञा से मैं वैकुंठवासी श्री विष्णु के चरणों में अपना निवास बनाने की इच्छुक हूँ। हे महादेवी महालक्ष्मी, आप जगत पूज्य हैं। आपकी आराधना तथा कृपा के बिना संसार का कोई भी प्राणी वैभव तथा श्री संपन्न नहीं हो सकता। हम आपकी इच्छा का आदर करते हैं। आप वैकुंठ जाकर अपना योग्य स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परमदेव। विष्णु के सम्मुख वैकुंठ में प्रकट होती है। पालक जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी चिर जीवन संगनी सागर कन्या महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा में उपस्थित हूं। हे करुणा के सागर श्री हरि, तनिक अपने कमल नैनों को कष्ट दें और इस चरणदासी पर अपनी कृपा करें। संपदा वैभव तथा श्री की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी पधारें, आपका वैकुंठ में स्वागत है। सत्य तो ये है देवी महालक्ष्मी कि आपकी कृपा के अभाव में जगत पालन का हमारा निर्धारित कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। आपको पाकर अब हम पूर्ण हुए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं हुई हूँ स्वामी। हम दोनों ही पूर्ण हुए देवी लक्ष्मी। पधारें, हम दोनों मिलकर सृष्टि पालन के पावन कार्य में अपना योगदान दें। ब्रह्मदेव, मैं ज्ञान विज्ञान
विद्या और कला की अधिष्ठात्री सरस्वती हूँ। स्वामी, मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार आपके श्रीमुख द्वारा प्रकट हुई हूँ। आपके दिव्य प्राकट्य से ये ब्रह्मलोक ही नहीं, अभी तो ये संसार ही संगीत में हो गया है। देवी, ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के बिना मानव जीवन पशु के समान था, किंतु अब आपके आगमन के पश्चात मानवीय मूल्यों का पूर्ण विकास होगा। स्वामी, मुझे अपनी सहभागिनी सहयोगिनी बनने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी अपेक्षा अनुसार सृष्टि के कार्य में आपको सहयोग दे सकूं। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा तथा इच्छा से तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई हो। वास्तव में तुमने प्रकट होकर हमारा अकेलापन दूर कर दिया है। तुम्हें पाकर हम धन्य हैं देवी। अब अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूं स्वामी। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूं स्वामी। सत्य तो ये है देवी सरस्वती कि हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। सृष्टि रचना के कार्यों में अब हमें आपका सहयोग मिलने के साथ संसार को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिलेगा। अर्थात भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला मानव आज के पश्चात कला और संस्कृति को भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाएगा। वीणा को धारण करने के कारण आपको ये संसार वीणा पाणी कहेगा। वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण आपका वाग्देवी नाम सार्थक होगा। आपकी उपस्थिति से ब्रह्मलोक का वातावरण संगीतमय हो गया है। इससे सृष्टि रचना का कार्य अधिक सुगम हो गया है। नारायण नारायण। देवी सरस्वती, ये भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले परम नारायण भक्त और हमारे मानस पुत्र देवर्षि नारद, और आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। नारद, आज्ञा करो परमपिता। देवी सरस्वती ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी है एवं तुम्हारे लिए माता के समान है। तुम्हारी ये वीणा इन्हीं के प्रकट ना होने के कारण ही अब तक मौन थी, अब ये मुखरित हो उठेगी। हमें आप दोनों के ब्रह्मलोक आने का उद्देश्य ज्ञात है। देवराज, देवताओं के ऋषि नारद की सूचना तथा ज्ञान पर संदेह प्रकट करना अनुचित है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं परमपिता, किंतु क्या देवराज दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात आप उसे वरदान देने नहीं जाएंगे? एक तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल अर्थात वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। नारायण नारायण। अपनी बात तनिक स्पष्ट करें परमपिता। नारद, वज्रांग हमसे वरदान प्राप्त कर अपनी माता की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण करेगा, किंतु क्या परमपिता? यदि तुम लोग बुद्धि और विवेक से कार्य करोगे तो वज्रांग के स्वर्ग अभियान का परिणाम भयानक नहीं होगा। तुम दोनों में पर्याप्त बुद्धि और विवेक है इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तुम अपनी माता वाग देवी की आराधना करो, वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगी।
कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज, मेरी कृपा आपके साथ है। किंतु इस वज्रांग रूपी संकट पर विजय पाने के लिए आपको बुद्धि के साथ ही साथ युक्ति की भी आवश्यकता होगी। आप अपनी योजना पर विचार करें, समय आने पर आपको मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं धन्य हुआ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ माता। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ शक्ति माता के दर्शन भी प्राप्त हुए। मैं आपसे यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या शक्ति माता के नूतन अवतार का समय आ गया है। नारद, तुम्हारे लिए इस संसार के किसी भी लोक का द्वार बंद नहीं है। तुम्हें यह प्रश्न शक्ति के स्वामी कैलाशपति भगवान सदाशिव से पूछना चाहिए। शिवाय नित्याय सत्याय शाश्वत तमाय च अद्वैताय अनंताय अचिंत्य मूर्तये नमो नमः। शक्ति स्वामी महादेव शिव, आप अपनी शिवा को यूं एक तक मौन क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ। कैसी आज्ञा देवी? हे सर्वशक्तिमान, क्या इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छुपा है? मैं पुनः नारी रूप में जन्म लेने की इच्छुक हूँ, जिससे आपकी सहचरी बनकर अपनी अतृप्त मात्र कामना को तृप्त कर सकूं। देवी शक्ति, तुम्हारे सती रूप के त्याग के पश्चात योग और वैराग्य ही हमारे चिर सहचर बन गए थे। योग और वैराग्य तो कल्याण रूपी शिव के स्वरूप है महादेव। इसी कारण इस समय हम अपने योग और वैराग्य में किसी भी प्रकार की बाधा के इच्छुक नहीं है। महादेव, क्या प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश के वचनों की सत्यता संदिग्ध है? असंभव। परम देव श्री महागणेश का वचन सत्यता का प्रमाण है। किंतु उन्होंने मुझे मेरे नारी रूप में मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। देवी शक्ति, परम देव श्री महागणेश के वचन को समय की निर्धारित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम
ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ॐ 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 ब्रह्मणे नमः। मुझे वरदान प्रदान करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र स्वर्ग से पतित हो। हाँ परमपिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग। किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है, इस कारण तुम हमसे अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ परमपिता, मैं अपनी माता दिति के आदेशानुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूँ। असंभव। मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। Ha 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 ha!